गुड मॉर्निंग होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट राउंड रिविजन फॉर जीएसटी एग्जामिशन टोटल में ट्वेल्व क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएटेड और एग्जाम ओरिएंटेड ये लेक्चर रहने वाला है चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन में मैं बातें करूंगा परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट सर्विसेज हम लोग जानते हैं रिवाइज करते रहिएगा जल्दी जल्दी से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट और वो परफॉर्म करता है फोक फोक या क्लासिकल डांस म्यूज़िक थिएटर तो उस केस में अगर वो कंसिडरेशन 1.5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेता है क्लासिकल डांस क्लासिकल म्यूज़िक क्लासिकल थिएटर वग़ैरह तो उस केस में अगर कंसिडरेशन 1.5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है तो एक्ज होता है अगर वन पॉइंट लाख से ज़्यादा है तो पूरा टेक्सेबल होता है दूसरी बात ये 1.5 लाख वाली लिमिट मत लगाइएगा अगर वो ब्रांड एंडोर्समेंट है अगर वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो उस केस में तो फिर तो फिर फिर पूरा पूरा का पूरा टैक्सेबल होने वाला है फिर वो 1.5 लाख वाला भी कुछ नहीं लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू में मैं बातें करूंगा बैंकिंग सर्विसेज की हम लोग जानते हैं जनरली बैंक जब भी हमसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं लाइक हमारा ए हमने यूज किया अगर किसी और का ए यूज किया चेक बाउंस हो जाता है हमारा मिनिमम बैलेंस अगर कम हो जाता है बैंक अकाउंट का या और भी बहुत सारे चार्जेस हैं उसके ऊपर बैंक हमारे ऊपर जीएसटी भी लगाता है चार्जेस भी लगाता है उसके ऊपर जीएसटी भी होता है बट आर सर्टन सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विसेज एग्जाम होती है कौन कौन सी जब बैंक हमें डिपॉजिट्स देता है ठीक है डिपॉजिट्स या लोन वगैरह जिसकी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है इंटरेस्ट है इवन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी तो उस केस में एक्मट है उसके ऊपर वुड बी नो जीएसटी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है तो जीएसटी no तो लग जाता है दूसरी सर्विस की वो होती है सेल एंड परचेज करेंसी बिटवीन दीज बैंक ऑथराइज एजेंट अगर एक नॉर्मल इंसान मान लेते हैं मैं या आप जाकर फॉरेन करेंसी परचेज या सेल करते हैं बैंक से तो जी चार्जेस भी लगेंगे प्लस जीएसटी लगेगा उसके ऊपर बट बिटवीन बैंक्स होगा तो जीएसटी नहीं आता है ठीक है बाकी हम बातें क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में आई टॉक अबाउट एजुकेशन सर्विसेज एजुकेशन सर्विसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन एंड ऑफ एग्जाम्स में आता रहता है चलिए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर फाइव में बातें करेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट आप लोग जानते हैं रेसिडेंशियल यूनिट्स को अगर रेंट पर दिया जाए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता कमर्शियल यूनिट्स को दिया जाता है तो जीएसटी है रेसिडेंशियल यूनिट को फॉर रेसिडेंशियल पर्पज जीएसटी नहीं आएगा सेवन क्वेश्चन में बातें करेंगे होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज के बारे में वो वन थाउजेंड वाली बातें आपको याद होंगी क्वेश्चन नंबर एट में अगेन आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट नाइन्थ क्वेश्चन में एजुकेशन और हेल्थ केयर हेल्थ केयर सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं इसके एग्जाम इसका भी क्वेश्चन आप एग्जाम्स में देखते रहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की 10th में अबाउट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और अगर कोई business exhibition हो रही है इंडिया के बाहर तो जीएसटी नहीं लगता है अगर वो इंडिया में हो रही है वो बिजनेस एग्जीबिशन वगैरह तो जीएसटी लगता है हम लोग उस क्वेश्चन बातें करने वाले हैं इलेवंथ क्वेश्चन में अल टॉक अबाउट रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सर्विसेज सेवन वाली लिमिट आपको याद आ रही होगी लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में अल टॉक अबाउट कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में और हायरिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर हम किसी जी को गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर रेंट पर देते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होता है चलिए बातें कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको ठीक है क्वेश्चन नंबर वन एक्सेट प्राइवेट लिमिटेड मैनुफैक्चर ब्यूटी सोप विद ब्रांड नेम फेयर एंड ग्लो ठीक है एक्सवेजेट प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड मिस गुंजन इट्स ब्रांड एम्बेसिडर हु इज अ लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस हैज गिवन अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन द दिड कंसर्ट कॉन्सर्ट और कितने पैसे लिए लिएउसेंड तो एक क्लासिकल डांस कराया है जिसका वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिस गुंजन ने चार्ज किया है क्या इसके ऊपर जीएसटी आता है सर वो वन पॉइंट फाइव लाख की लिमिट होती है इसके ऊपर नहीं देखेंगे बिकॉज शी इज प्रमोटिंग अ ब्रांड ठीक है ये इसके ब्रांड हैं ये ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं तो इसके ऊपर वो 1.5 लाख वाली लिमिट हमारे लिए काम की नहीं है इसके ऊपर तो जीएसटी आने वाला है पूछा गया एक्सप्लेन विद रिलेवेंट प्रोविजन्स ऑफ जीएसटी एस वेदर गुंजन विल भी रिक्वयर टू पे एनी जीएसटी एस हाँ जी बिल्कुल पे करना पड़ेगा तो प्लीज़ आप वो लिख दीजिएगा प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि अगर कोई आर्टिस्ट uh, परफॉर्म करता है फॉर क्लासिकल या फोक डांस म्यूजिक वगैरह तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है अप टू 1.5 पॉइंट फाइव लाख वन पॉइंट लाख से ज़्यादा है तो पूरा जीएसटी आ जाता है बट अगर वो किसी ब्रांड uh, को प्रमोट कर रहा है ब्रांड को इंडोर्स कर रहा है उसके इसमें तो फिर एंटायरली जीएसटी आएगा तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर जीएसटी तो आने फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं Question number two, uh, इसी है uh, है, लिखा हुआ अच्छा गुंजन को पैसे मिले और इन्होंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा आपको लगेगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा नहीं इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अगर ये पैसा जो मिला अगर वो कहीं और डोनेट भी कर देते हैं बीटा चैरिटेबल या रिलीज इंस्टीट्यूशन में भी कर देते हैं इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस जीएसटी तो आने वाला है इसके ऊपर ठीक है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ये लिखा हुआ है इवन इफ द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्न विल बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शी विल बी लाइबल टू जीएसटी जीएसटी तो आएगा ठीक है ओके okay, जी कम टू क्वेश्चन नंबर टू समझ में आ रहा है ना मैं थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी चल रहा हूँ बिकॉज़ लास्ट राउंड रिवीजन है तो इसमें तो ऐसे ही चलना पड़ेगा अभी क्वेश्चन नंबर टू बट हाँ आपका रिवीजन काफी अच्छा हो जाएगा ठीक और आपको पता चल जाएगा देखो सिर्फ प्रोविजंस प्रोविजंस पढ़ते रहते हैं ठीक है तो आ, अच्छी बात है प्रोविजंस पढ़ना अभी बट आपको उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई जब तक नहीं करना आएगा तब तक आप नहीं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता हम लोगों को तो हमारे अच्छे मार्क्स हम तभी ग्रैप कर पाते हैं जब हम क्वेश्चंस की भी साथ साथ प्रैक्टिस करें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बहुत इंफोसिस देता हूँ सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट स्ट्रॉग होने चाहिए आपके और फिर उसको दूसरा इंपॉर्टेंट बात है उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू मैसेस इंडस बैंक लिमिटेड अ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉलोइ डिटेल्स ट्वेंटी अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बैंकिंग सर्विस होती है तो उसके ऊपर जितना भी वो लोग हमसे पैसे चार्ज करते हैं वो जी एस टी लगाएंगे बट हां अगर उन लोगों लो ने हमें लोन वगैरह दिया है लोन या डिपॉजिट है जिसकी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड उसको हम एक्जेप्ट करते हैं ठीक है क्रेडिट कार्ड वाले को टैक्सेबल करते हैं और फॉरेन करेंसी अगर तो सेल और हम एक्सम्ड कर देते हैं अगर फॉरेन करेंसी जनरल पब्लिक के साथ डील हो रही है तो टैक्सेबल करेंगे पूछा गया तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और पूछा गया कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई गिव रीजन विद सुबल तो हमें सबके साथ एक रीजन देना पड़ेगा एक लाइन का आप रीजन दे सकते हैं एग्जाम्स में सफिशियंट है ठीक है प्रेजेंटेशन थोड़ी आपकी ठीक होनी चाहिए तो यहां पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंट प्रैक्टिस आप इस तरीके से करेंगे या देखें एक बार इस तरह के क्वेश्चन से आप देख लिया कीजिए एग्जाम से पहले कि किस तरीके से प्रेज़ेंटेशन है और उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम लोग ठीक है हमेशा एग्ज़ाम्स में स्पीड मेंटेन करना ठीक है स्पीड मेंटेन होनी चाहिए शुरू से ठीक है कुछ ही एक दो चीजों में अगर अटके तो उसको बहुत कम समय दें थर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है वरना आप आगे चलते रहिएगा बढ़ते रहिएगा आगे बस रुकेगा मत ठीक है घबराने की कोई जरूरत नहीं है कुछ चीज अगर किसी किसी कि, कि, भी चीज पर आप अटक गए प्लीज घबराना नहीं है बिल्कुल भी आगे बढ़ना है आपको ठीक है ठीक है मैक्सिमम आपको पूरा का पूरा कोशिश करनी है कि हमें पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है हाँ जी फर्स्ट अच्छा पूछा गया कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो इन सब चीजों में से हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजों पर टैक्स लगेगा तो वो हमारी वैल्यू का पार्ट बनेगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा वो एग्जाम है तो उसको हटा दीजिएगा एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर हंड्रेड करोड़ रुपीज एंड करोड़ दिए हुए हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी दीज वैल्यूज तो प्लीज बताइए कि आप इस हंड्रेड करोड़ के ऊपर जीएसटी लगाएंगे सर ये तो इंटरेस्ट नहीं है तो इसके ऊपर तो जीएसटी लग जाएगा प्लीज बेसिक बात समझ लीजिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ठीक है हम लोग क्या जानते हैं गुड्स की डेफिनेशन में क्या होता है मनी और सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता ठीक है सर्विसेज में भी मनी और सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता सर्विसेज के डेफिनेशन में ये तो गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है सर्विसेज में की डेफिनेशन में क्या लिखा होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन इन मनी कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आ रही है तब वो सर्विसेज बनता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर मिस्टर ए ने सौ रुपए मिस्टर बी को दिए और अगले दिन बी ने उसको सौ रुपए ही वापस कर दिए तो देर इज़ नो एक्स्ट्रा कंसिड्रेशन तो लोन देना और लोन रीपे करना इसको हम गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन में आते ही नहीं है ये तो सप्लाई ही नहीं है इसके ऊपर तो जीएसटी आएगा ही नहीं हाँ अगर किसी ने इसको सौ रुपए दिए बदले में अगले दिन इससे वापस वन जीरो वन रुपीज़ लिया एक्स्ट्रा कंसिड्रेशन कितनी ली वन रुपीज़ ठीक है वो जो वन रुपी है वो सर्विसेज में आ जाता है बट अगर ये ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी है सिर्फ हमने हंड्रेड करोड़ रुपीज बैंक ने दी है लोन तो दैट इज नॉट बी कवर्ड अंडर सप्लाई इसको तो सप्लाई ही नहीं माने गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है ये तो तो इसको प्लीज मत लीजिएगा ठीक है तो कन्व्यूज बिल्कुल मत हुईगा सर हमें तो याद है बैंकिंग तो तो सर्विसेज इंटरेस्ट को छोड़ते हैं और बिटवीन फॉरन करेंसी बिटवीन बैंक छोड़ते हैं अरे इसको भी प्लीज ये तो बेसिक बात है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी है ये सिर्फ लोन दिया गया है प्रोसेसिंग फीस प्रोसेसिंग फीस लिए है बैंक ने पक्का ठीक है प्रोसेसिंग फीस लिए है फाइलिंग चार्जेस वगैरह लिए हैं लोन जब देते हैं तो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेता है बैंक उसके ऊपर तो जीएसटी आएगा ठीक है आप किसी और एटीएम से पैसे निकालें बैंक एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लेता है चेक बाउंस वगैरह के सबके ऊपर जीएसटी लगता है यहां पर प्रोसेसिंग फीस के ऊपर जीएसटी आएगा तो ये हमारी वैल्यू में एड होने वाला है ट्वेंटी करोड़ रुपीज कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी इसके ऊपर भी आएगा ट्वेंटी और थर्टी दोनों पर आएगा इंटरेस्ट इनकम और क्रेडिट कार्ड ठीक है लोन का ऊपर इंटरेस्ट होता तो हमें छोड़ देता बट क्रेडिट कार्ड के ऊपर है ये तो टैक्सेबल होने वाला है तो इसको लिख दीजिएगा कि लोन के ऊपर नहीं है क्रेडिट कार्ड के ऊपर है दैट इज द रीजन इसको टैक्सेबल करेंगे इंटरेस्ट रिसीव हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक इसको नहीं लेना है क्योंकि देखिए यहां पर ये इंटरेस्ट की कंसिडरेशन है इसको ये एक्सैम्ट है ये है इसको नहीं लेना है लास्ट है वन करोड़ रुपीज मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट वन करोड़ इसको ले लेना है आपको ठीक है हंड्रेड को तो लेना ही नहीं है आपको ट्वेंटी थर्टी और इंटरेस्ट वाले को छोड़ना है ठीक है क्रेडिट कार्ड वाले को तो लेना है बाकी वन करोड़ को लेना है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई नाइनटी वन आ गया है चले आगे चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री

पूछा गया है हमसे रेट ऑफ अगर जीएसटी लगेगा तो सी जी एस टी और एस जीएसटी का, का रेट और नाइन परसेंट आई जी एस टी का अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंप्यूट द टोटल जीएसटी लाइब्रेरी ऑफ जॉर्जिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर दिस मंथ चलिए देखते हैं कि इसमें से हम क्या क्या टेक्सिबिल करने वाले हैं फर्स्ट लिखा हुआ है फीस फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड की है ठीक है कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स द कोचिंग सेंटर इज रन बाय जॉर्जिया प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब इंट्रेस्टेड ट्रांजेक्शन है मुझे प्लीज बताइए इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या बिल्कुल लगेगा सर ये तो एजुकेशन सर्विसेज है हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन सर्विसेज में अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को ठीक है स्टूडेंट्स को तो हम टैक्स नहीं लगाते प्रोवाइडेड वो करिकुलम का पार्ट हो स्कूल एजुकेशन हो कॉलेज एजुकेशन हो या फिर आप अगर वो चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट भी वो डिग्री इशू कर रहे हैं विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ तो उस केस में तो हम जी नहीं लगाते हैं ठीक है यानी कि अगर आप किसी स्कूल कॉलेज से या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप उनको पैसे देते हैं और फिर वो बाद में हमें डिग्री इशू करते हैं लाइक like हमारा सी इंस्टीट्यूट सी इंस्टीट्यूट सी इंस्टीट्यूट तो ये लोग हमें जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं विच इज़ रिकगनाइज बाय लॉ तो जो हमारी फीस जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है बट यहाँ पर दिस इज़ अ कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स ठीक है कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स तो इस केस में तो जीएसटी आता है ठीक है इस केस में जीएसटी आता है आप लोग पेन ड्राइव्स खरीदते हैं गूगल ड्राइव खरीदते हैं ठीक है तो मेरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी हम लोग लगा कर देते हैं ऑब्वियसली ठीक है ठीक है किसी भी सब्जेक्ट की या दूसरे सब्जेक्ट की खरीदते हैं जीएसटी आता है उसके ऊपर कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर तो सिक्स लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर तो इंटरेस्ट रेट है तो नाइन परसेंट सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जीएसटी लगाइएगा इन थाउजेंड टू हंड किसके हैं सेकंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन इन जनरल यूनिवर्सिटी डेली प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकोगनाइज बाई इंडियन लॉ बिंग एन इंटरस्टेड ट्रांजेक्शन अब हम लोग जानते हैं कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर हम सर्विसेज दें सर्विसेज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है सर्विस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जैसे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो अगर हम इसको कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या वो एग्जेम्ट होती है हाँ उसमें से कुछ सर्विसेज एग्जेट होती हैं जैसे कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विस एग्जाम्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन के स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो अब एग्जैम्ट होता है केटरिंग सर्विसेज एग्जैम्ट होती हैं सिक्योरिटी सर्विसेज हाउस कीपिंग सर्विसेज एग्जेम्ट होती है, है। याद आता है आपको

टू लवली पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक मैंने भी डिस्कस किया है कि अगर आप किसी स्कूल को ठीक है स्कूल को आप सर्विसेज दे रहे हैं किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की उनके स्टूडेंट्स को उनको उनकी फैकल्टी को उनके स्टाफ को ठीक है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं केटरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं हाउस कीपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में रहता है याद आ गया आपको तो इस पर भी कोई जी नहीं लगेगा नेक्स्ट है अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस इन विजडम पब्लिक स्कूल यहां पर भी कौन से सर्विसेज एंड सिक्योरिटी अगेन तो ये सर्विसम हीस लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर जीएसटी आएगा और इंटरेस्ट रेट है तो रेट भी बता देना सी का नाइन परसेंट का नाइन बाकी इन सबके ऊपर नहीं आएगा एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा तो सबके बारे में आप लोग लिख देंगे तो बाकी तीनों के ऊपर तो कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगाया है बट फर्स्ट वाले के ऊपर इंटरेस्ट थी, थी। तो इनके बारे में आप चाहे तो यहां पर ही एक, -एक लाइन का नोट दे दीजिएगा चाहे आप दीजिएगा ठीक है एक बार ये रीड कर लीजिएगा नोट ठीक है फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद रीड कर लीजिएगा ओके क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कहता है टेंटर संजीव खन्नाटेड मिर्जापुर ना का चाहिए था तो एक मंदिर है ठीक है और वो इनका मंदिर है मतलब ये मानते होंगे उस मंदिर को और वो मिर्जापुर यूपी में लोकेटेड है ठीक है द टेम्पल इज रन बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व डबल इनकम टेक्स एक्ट आपको पता है जाता जो आ,

अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड टेन लाख रुपीजल फॉर कंस्ट्रक्शन हॉल इन फर्स्ट चाइल्ड जब इनका पैदा होता है तो इनको बहुत खुशी हुई तो इन्होंने वहां पर टेन लाख रुपीज का डोनेशन दी ठीक है क्या बनवाने के लिए सिटिंग हॉल बनवाने के लिए ऑन द मेन डोर ऑफ द सिटिंग हॉल प्लेट वॉज प्लेसड स्टेटिंग डोनेटेड बाय मिस्टर संजीव खन्ना अपॉन बर्थ ऑफ इस फर्स्ट चाइल्ड तो मंदिर सिटिंग हॉल बनवाया था उसके डोर के ऊपर साइड में कहीं पर भी एंट्रेंस पर एक बड़ा सा पत्थर लगाया गया एक नेम प्लेट लगाई गई और लिखा गया कि ये डोनेट करा है दस लाख रुपए इसको बनवाने के लिए पैसे संजीव खन्ना जी ने फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पर अब यहां पर यहां पर ही हम लोग समझ जाएंगे कि किस बारे में क्वेश्चन बोल रहा होगा अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी डोनेशन दी जाती है ठीक है डोनेशन दी जाती है किसी भी ठीक है जैसे चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और बदले में हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ठीक है उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो येस के ऊपर तो हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे ना ठीक है दिस इज नॉट जीएसटी बदले में हमने कोई भी कंसिडरेशन उनसे नहीं चाहते हैं वापस में क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यू से हम लोग समझते हैं ना समथिंग इन रिटर्न हम लोग नहीं चाहते हैं तो अगर हम सिर्फ डोनेशन दे रहे हैं वहां पर सिर्फ डोनेशन चैनली डोनेशन दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर वहां पर तो इन्होंने अपना नाम लिखवाया है वहां पर ठीक है संजीव खन्ना ठीक है और एंड सन्स करके नाम लिखवा दिया वहां पर तो उस केस में सिर्फ नाम वहां पर लिखवाया तो इट्स ओके ठीक है आप लोग बहुत ज्यादा जग, जगह देखते हैं कि यहां पर नाम लिखे रहते हैं बट क्या वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं ठीक है कोई एडवर्टीजमेंट कराना चाह रहे हैं कि अपने बिजनेस का आंसर इज नो ठीक है वहां पर उन्होंने सिर्फ नाम लिखवा दिया है ठीक है बट बंदर या आ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से वो लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इस केस में तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी इसके जीएसटी इस तो नहीं है बट हां अगर ये चाहते हैं कि वो रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनका एक तरीके से प्रमोट करे इनको इनका बिजनेस को प्रमोट करे एडवर्टीजमेंट का काम करे तो उस केस में तो सप्लाई माना जाता है तो मान लेते हैं कि अगर ये अपना जो रेस्टोरेंट्स का इनका बिजनेस है लखनऊ में कुछ उससे रिलेटेड चीजें लिखवाते हैं जिससे कि एक तरीके से इनडायरेक्टली इनका प्रमोशन हो रहा है तब उस केस में तो ये सप्लाई मानते बट इस केस में तो हम सप्लाई नहीं मानेंगे इन्होंने सिर्फ नाम लिखवाया जिसका कोई इनके बिजनेस से कनेक्शन नहीं है इनका कोई बिजनेस प्रमोट वगैरह नहीं हो रहा है तो इट्स अ जेन्युन डोनेशन इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ठीक है सब लोग समझ गए हैं तो एक बार ये रीड आउट कर सकते हैं आप लोग बट आई बिलीव ये बात समझ गए होंगे आप अगर ये अपने बिजनेस वगैरह का नाम लिखवाते तो हम मैं बोलते सप्लाई मारने और इसको ऊपर जीएसटी लगाए क्वेश्चन नंबर फाइव अशोका चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ठीक है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है द ट्रस्ट कंडक्टेडोर डे रेसिडेंशियल योगा कैंप योगा का नाम आ गया अब वी अंडरस्टैंड की चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की कुछ सर्विसेज़ लाइक केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट है या फिर एजुकेशन टू होमलेस चिल्ड्रन है या फिर 65 फाइव ईयर्स और उनसे ज़्यादा के लोग हैं अगर रूरल एरिया में हम लोग एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक्जेंप्ट होती है याद है ना आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज तो यहाँ पर योगा से रिलेटेड अगर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं तो इट वुड भी एक्ज कितने भी पैसे चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर हुआ है नाइन पर पर्सन चार्ज किए गए इंक्लूसिंग ऑफ स्टे एंड फूड इट्स ओके योगा कैम्प होते हैं तीन चार दिन चलते हैं तो इस केस में यहाँ पर ये exempt रहने है, तो इसके ऊपर टेस्ट तो नहीं आएगा एग्जाम की कैटेगरी में है आगे लिखा हुआ है ट्रस्ट ऑल्सो कंडक्टेड प्रोग्राम फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ पर्सन एज अब सिक्सटी फाइव ईयर्स हम लोग जानते हैं 60, 60 नहीं है, 65 होता है। और यहाँ पर भी यही दिया हुआ है कि सिक्सटी फाइव ईयर से ज्यादा के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है इन रूरल एरिया अगर होगा तो एग्जेमट है पर लिखा हुआ यहां पर मेट्रो सिटीज में इट वुड बी टैक्सेबल यहां पर इसकी वजह से क्योंकि रूरल एरिया तो नहीं है तो इसकी वजह से तो हम ये टैक्सेबल करेंगे नॉमिनल फीस चार्ज की जा रही है उसके ऊपर टैक्स भी आ जाएगा जीएसटी आने वाला है आगे लिखा हुआ द ट्रस्ट रिसीव्ड फॉलोइंग डोनेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेंबर क्या क्या डोनेशन मिली है जैसे हमने डोनेशन की अभी थोड़ी देर पहले भी बातें की थी कि अगर कोई भी डोनेशन दे रहा है और बदले में वो अपना एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के बदले में कुछ चाहता है तो उस केस में तो सप्लाई माना जाएगा बट अगर सिर्फ जेनविनली ठीक है एक फिल्म एक्टिविटी है ठीक है बदले में हम उस रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से कुछ डिमांड नहीं करते कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते उस केस में हम इसके ऊपर जी नहीं लगाते लिखा हुआ है कैंट आर ओ प्राइवेट लिमिटेड डोनेटेड अ आर ओ वाटर प्लांट टू टू द ट्रस्ट कॉस्टिंग रुपीज सेवेंटी एट थाउजेंड ठीक है इन्होंने एक अपना एक आर ओ प्लांट डोनेट किया एंड डिस्प्लेड इट्स का नाम लगा दिया वहां पर ठीक है और लिख दिया है यहां पर तो ये अपना एडवर्टीजमेंट चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन से तो इसके ऊपर तो जीएसटी आने वाला है सेवेंटी एट थाउजेंड तो जीएसटी आने वाला है इट्स काइंड ऑफ एडवर्टीज मिस्टर अर्जुन लॉयर डोनेटेड चेयर्स टू द ट्रस्ट कॉस्टिंग रुपीज ट्वेंटी फाइव था। थाउजेंड उन्होंने ट्वेंटी फाइव था। थाउजें था। रूप से चेर कर एंड केयर फॉर ऑल इज़ प्रिंटेड ऑन द ऑल द चेयर उस पर अपना नाम वगैरह नहीं लिखवाया अपने बिजनेस का मतलब अपने नाम के से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के बारे में ठीक है अगर आप बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह कराते हैं तब तो हम इसको सप्लाई मानते हैं बट इस केस में तो यहाँ पर दिस इज जस्ट अ जेनुइन डोनेशन तो यहाँ पर आप जी नहीं लगाएंगे ठीक है केयर फॉर ऑल लिखवाया है बस इन्होंने यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेमेंट मेड बेदर ट्रस्ट इन्होंने कुछ ना कुछ पेमेंट की है और उसके ऊपर जीएसटी भी दिया होगा तो ये हमसे आई टी सी के बारे में बातें करेंगे थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग आई टी सी भी डिस्कस कर, कर रहे हैं कर लेंगे यहाँ पर बट uh, मैं चाहता हूँ कि मैं आई का भी एक लास्ट राउंड रिविजन लूँ आप भी मुझे बताइएगा कि कुछ टॉपिक्स जिसको आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि मुझे हमें उसके ऊपर रिविजन चाहिए ऑल मेरे दिमाग में ऑलरेडी है कि आई हो गया टाइम और वैल्यूफ़ सप्लाई हो गया ठीक है इन्वॉइज के बारे में हो गया बट स्टिल आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको किसके ऊपर ज़्यादा चाहिए मैं उसको प्रायरिटी पर रख लूँगा ओके द फॉलोइंग अदर डिटेल्स ऑफ जी पेमेंट मेड बे द ट्रस्ट जीएसटीज मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नीडी पर्सन सिटिंगी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज थर्टीन अब देखो अब ये आई टी सी का क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरीके से हम लोग जानते हैं कि मोटर व्हीकल्स जब हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें आई टी सी नहीं मिलता है अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टिल थर्टीन होगी तो आई सी नहीं मिलता है। थर्टीन से ज़्यादा होगी तब आई सी मिल जाता है तो यहाँ पर सेटिंग कैपेसिटी सिर्फ थर्टीन है इंक्लूडिंग ड्राइवर इंक्लूडिंग ड्राइवर थर्टीन है थर्टीन से ज़्यादा होती तो आई डी सी मिल जाता तो थर्टीन वाली बात प्लीज़ याद रखिएगा तो थ्री लाख एटी फाइव थाउजेंड पर तो आई uh, सी नहीं मिल पाएगा बिकॉज सेटिंग कैपेसिटी थर्टीन को एक्सीड नहीं कर रही है वन थ्री GST of rupees two lakh sixty five thousand was paid for the work contract services availed from super builders for construction of trust office building आप कोई civil work कराते हैं construction work कराते हैं building वगैरह बनवाते हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई work contract के पैसा pay करा है उसके ऊपर GST भी pay किया है तो उसके ऊपर भी आपको blocked है यहाँ पर भी seventeen five में जो blocked credit का होता है ना उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके ऊपर तो कोई ITC नहीं मिलेगा तो इन दोनों के ऊपर तो आई मिलने वाला नहीं है अगर ये इसकी सेटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से ज्यादा एक्सीड हो जाती तो मैं बोल देता कि यहां पर आप जीएसटी ले सकते थे बट इस केस में तो यहां पर नहीं मिल पाएगा आगे लिखा हुआ है। अशोका चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो ओन्स एंड मैनेजेस अ गुरुद्वारा ठीक है इनके गुरुद्वारा भी मैनेज करते हैं ये इट रेंटेड द कम्युनिटी हॉल अब देखो हम इसके बारे में जानते हैं कि अगर कोई रिलीजियस प्लेस है वो अपनी कुछ जगह रेंट पर देता है तो उस केस में क्या जीएसटी वो लोग चार्ज करेंगे डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर ठीक है वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करता है ठीक है अगर वो रूम रेंट वगैरह है तो वन थाउजेंड वाली वैल्यू वा आती है अगर वो हॉल वगैरह किराए पर दिया तो टेन थाउजेंड रुपीज पर डे वाली वैल्यू आती वा है अगर वो हमने दिया है किसी शॉप्स वगैरह को कमर्शियल शॉप्स वगैरह को तो टेन थाउजेंड पर मंथ की वैल्यू आती वा है ठीक है टेन थाउज जैसे ही होता है टेन थाउजेंड या वन थाउजेंड या उससे ज्यादा हो तो जीएसटी लग जाता है टेन थाउजेंड से कम होना चाहिए या फिर अगर रूम का रेंट है तो वन थाउजेंड से कम होना चाहिए यहां पर रिलीजियस के लिए लिखा हुआ है इट रेंटेड द कम्युनिटी हॉल लोकेटेड प्रिंक्स ऑफ द गुरुद्वारा फॉर रेंट ऑफ नाइनटी फाइव हंड्रेड पर मंथ ठीक है तो नाइन्टी फाइव हंड्रेड के लिए एक दिन के लिए उन्होंने कम्युनिटी हॉल किराए पर दिया है आप नहीं लगाएंगे ठीक है नहीं लगाएंगे अगर ये टेन थाउजेंड होता अगर ये टेन थाउजेंड एग्जैक्ट भी होता तो मैं बोल देता येस लगा दीजिए तो यहां पर आप नहीं लगाएंगे जीएसटी इट ऑल्सो रेंटेड द कमर्शियल शॉप लोकेट प्रिंस ऑफ गुरुद्वारा फॉर आर रेंट ऑफ टेन थाउजेंड पर मंथ टेन थाउजेंड यह उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा तो इसको लिए शॉप के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा बट अगर कोई यहां पर हमने हॉल किराए पर दी है उसके ऊपर नहीं होगा टेन थाउजेंड से कम है तो इसलिए नहीं होगा यू कैन एज्यूम दैट द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड एंड जीएसटी एंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटरेस्टेड ठीक है कंडीशन फॉर अवेलिंग आई टी सी आर फुलफिल्ड ठीक है बट आई टी सी इन दोनों पर तो मिलने वाला नहीं है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिवन अबाव द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है

एजुकेशन तो नहीं है बोथ एन बी तो ऑब्वियसली नहीं है नीदर ऑफ द एक्टिविटीज ये भी नहीं है एडवांसमेंट ऑफ योगा एक हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बी में पूछा गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेक्सीबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड अब जो कैंट आर ने जो डोनेशन दी है वो तो हम मानेंगे वैल्यू ऑफ टेक्सीबल सप्लाई बट जो केयर फॉर ऑल चेयर्स पर लिखवाया था उसको नहीं मानेंगे तो कितना था वो कैंट का सेवेंटी ये आएगा सिर्फ सेवेंटी इसको ट्वेंटी को मत लीजिएगा सिर्फ सेवेंटी एट थाउजेंड को आ जाएगा तो सेवेंटी एट थाउजेंड वाला बी आंसर आएगा ठीक है मार्क कर लेंगे ना आप लोग बी यहाँ पर बी मार्क करिएगा उधर ए मार्क करिएगा <coughs> सॉरी आंसर सॉरी सी पॉइंट कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्रेडिटेड बाय द ट्रस्ट भैया आईटीसी नहीं मिल पाएगा रीजन क्या हुआ वो मोटर वहीकल परचेज किया है अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी थर्टीन से ज्यादा होती इंक्लूडिंग ड्राइवर हम आईटीसी दे, दे देते बट अब नहीं देंगे और वो आपने बिल्डिंग में बनवाई है सिविल वर्क कराया उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा तो आंसर आएगा नल कोई आई नहीं मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुरुद्वारा मैनेज बाय अशोका चैरिटेबल ट्रस्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज टैक्सेबल कम्युनिटी हॉल को टैक्सेबल नहीं करेंगे वो टेन थाउजेंड से कम था ठीक है इसलिए तो फर्स्ट तो सही नहीं है कम्युनिटी हॉल तो एग्जेमट है रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज एक्जेंट ठीक है वेल रेंटिंग ऑफ कमर्शियल शॉप इज टैक्सीबल सही लग रहा है बिल्कुल क्योंकि कमर्शियल शॉप को टैक्सेबल क्यों किया टेन थाउजेंड और मोर था और हॉल को कम्युनिटी हॉल को एक्ज क्यों किया टेन थाउजेंड से कम था लेस देन टेन थाउजेंड था तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है सी है बोथ रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल एंड रेंटिंग ऑफ कमर्शियल शॉप और टैक्सेबल नहीं है सर कम्युनिटी हॉल तो एक्जेक्ट है पक्का टेन थाउजेंड ये उससे ज्यादा होता तब टैक्सेबल में कर देता तो सी भी ठीक नहीं है बोथ रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल एंड रेंटिंग ऑफ कमर्शियल शॉप सर एक्जेम्ट नहीं कमर्शियल शॉप टैक्सेबल है टेन थाउजेंड और मोर पर टैक्सेबल कर देंगे तो सिर्फ इसका आंसर आएगा बी ठीक है ना इजी था समझ में आ गया ना रिवाइज हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स साहिल अ रेसिडेंट ऑफ डेली इज हैविंग अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन वसंत विहार डेली विच हैज़ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है इनको विच हैज़ गिवन ऑन रेंट टू अ फैमिली और रेसिडेंस पर्पज़ के लिए दिया गया ठीक है दो बातें इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल यूनिट हो और रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया जाए ठीक है अगर वो कमर्शियल तो पर्पज़ के लिए दिया जाएगा तो टेक्सीबल करेंगे बट अगर वो रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया जाएगा तो प्लीज़ दो बात याद रखिएगा जो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो भी रेजिडेंशियल होनी चाहिए प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल हो प्लस जिसको रेंट पर दिया गया हो वो भी रेसिडेंस पर्पज़ के लिए ही ठीक है रेजिडेंशियल डुलिंग यूनिट्स के लिए दिया गया हो तब उसकेस में एग्जम्ट हो जाएगा तो डिटरमाइन वेदर साहिल इज लाइबल टू पे जीएसटी तो यहां पर तो नहीं करेंगे क्योंकि इनका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी फैमिली को दिया गया है जीएसटी तो चार्ज नहीं होगा येस एज सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग इज टेक्सिबल अंडर जीएसटी तो रेंटिंग और सर्विस टेक्सीबल होता है बट इस केस में तो एक्जेम्ट रहेगा ना तो ए तो ठीक नहीं है नो द सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एग्जेम्ट बी सही लग रहा है मुझे ठीक है बी सही है आगे भी देख लेते हैं नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई नहीं सप्लाई है सप्लाई तो होती है रेंटिंग देना ठीक है रेंटिंग सर्विसेज आर सप्लाई तो होती हैं बट हां उसको एग्जेप्ट करा वो दूसरी बात है बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो सप्लाई ही नहीं है नो दे आर सप्लाई एग्जेम्ट का मतलब क्या होता है एग्जेम्ट सप्लाई का मतलब होता है या फ्रॉम exempt, जीएसटी uh, का मतलब होता है कि सप्लाई तो है प्राइमर फेस इट इज अ सप्लाई बट हाँ हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हैं उसको एग्जेम्ट किया गया है तो ये तो ठीक नहीं है कि हम बोलेंगे सप्लाई ही नहीं है सप्लाई है एग्जेम्ट है साहिल इंडिविजुअल नॉट टू ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है तो बी ठीक है बिल्कुल जीएसटी नहीं देते, बिल्कुल देते हैं जीएसटी है। है, है, है देंगे क्यों नहीं देंगे क्वेश्चन नंबर सेवन हॉलीडे गेस्ट हाउस सिचुएटेड एट शिमला प्रोवाइडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज टू टूरिस्ट ठीक है एक गेस्ट हाउस है ठीक है होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज है टू टूरिस्ट एट इकोनॉमिकल कॉस्ट द चार्जेस ऑफ अंगल डिलेक्स रूम पर डे ट्रिपल नाइन अब हम लोग जानते हैं ठीक है इसके बारे में जो होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज हैं अगर 1000 से एक्सीड करती है अगर 1000 से एक्स, यहां पर याद करिए ठीक है यहां पर लिखे हुए वन से अगर एक्सीड करती है तब टेक्सेबल करेंगे अगर वो एक्जेक्ट वन है या उससे कम है तब हम टेक्सेबल नहीं करते ठीक है एग्जेक्ट वन या उससे कम है तब हम taxable नहीं करते तो यहां पे डेलेक्स रूम पर डे ट्रिपल नाइन याद कर लीजिए ठीक है दोनों में फर्क है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह वो लोग रेंट देते हैं ना वहां पर वन और मोर पर टैक्स लग जाता है वहां पर, तो वन और मोर पर पर देस पर पर तो और मोर डे टैक्स लग जाता है बट यहाँ पर है मोर देन वन थाउजेंड पर जो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज है वहां पर मोर देन वन थाउजेंड रूम फॉर टू डेज क्रिसमस हॉलीडेस दो दिन के लिए बुक किया गया क्या जीएसटी चार्ज होगा अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाएंगे सर नाइन ट्रिपल नाइन बुक किए गए इंटू टू करेंगे तो वन थाउजेंड से ऊपर हो गया नहीं पर डे का लेना है आपको ठीक है पर डे अगर वन थाउजेंड या उससे कम है तो छोड़ दीजिएगा तो यहां पर तो जीएसटी नहीं आएगा चाहे दस दिन के लिए लिए पंद्रह दिन के लिए ट्रिपल नाइन है जीएसटी नहीं आएगा वन थाउजेंड भी होता तो भी जीएसटी नहीं आता वन थाउजेंड से ऊपर जाता तब जीएसटी आएगा विल योर आंसर चेंज इफ द चार्जेस ऑफ द सिंगल डिलेक्स रूम पर डे चार्ज बाय बायिड गेस्ट हाउसेंड नहीं आंसर चेंज नहीं होगा अगर हम इसको रुपीज वन कर देता आता जीएसटी तो इस केस में भी नो जीएसटी और ट्रिपल नाइन केस में भी नो जीएसटी ठीक है बी पॉइंट देख लें इसका मिसर अगरवाल लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन भटिंडा पंजाब द मंथली रेंटल ऑफ द godown is इज फिफ्टीन थाउजेंड एग्जामिन वेदर जी एस टीज पेबल मंथली रेंट से फर्क नहीं पड़ता हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज के बारे में और एग्रीकल्चर सर्विसेज में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है अगर हमने स्टोरेज या वेयर हाउसिंग के सर्विसेज दिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर फॉरस्ट प्रोड्यूस तो उस केस में हम उसको एग्जेम्ट करते हैं तो रेंट वगैरह से फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए दिया है क्या है एग्रीकल्चर सर्विसेज का पार्ट है एग्जेप्ट हो जाएगा ठीक है आप लोग पढ़ लीजिएगा डाउनलोड कर सकते हैं ये फाइल आप क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं सेवन कर रहा था ना हमने अभी हाँ जी सेवन किया था ओके एट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एग्जेम फ्रॉम जीएसटी बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय अ फिल्म एक्टर इन अ फिल्म कंसिडरेशन वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड बॉलीवुड डांस है क्लासिकल डांस होता तो, तो, तो एक्जेम्ट कर करते हैं ठीक है वो भी क्लासिकल परफॉर्मेंस वगैरह के लिए तो यहां पर बॉलीवुड डांस है ये तो एक्जेम नहीं है तो टेक्सेबल है इसको तो नहीं करेंगे कर्नाटक म्यूज़िक परफॉर्मेंस कर्नाटक कर्नाटक पता है ना आप लोगों को ठीक है काफ़ी सारे मेरे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स बता पाएंगे कर्नाटक क्या होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर्नाटक म्यूजिक या कर्नाटक परफॉर्मेंस क्या होता है कर्नाटक डांस क्या होता है साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली कर्नाटका में आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरला तमिलनाडु में भी ठीक है इस तरह के परफॉर्मेंस होते हैं इसको कहते हैं कर्नाटक परफॉर्मेंस क्लासिकल परफॉर्मेंस होते हैं कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय अ क्लासिकल सिंगर टू प्रमोट अ ब्रांड ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं अमाउंट कुछ भी रहे अमाउंट मैटर नहीं करता इसको भी टेक्सेबल करेंगे 1, 30, है, सर. से नहीं है छोड़ दीजिए नहीं जी छोड़ेंगे नहीं बिकॉज ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं ये भी सही नहीं है ठीक है इसको भी टैक्सेबल करेंगे सेकंड को भी टैक्सेबल करेंगे कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर इन अ म्यूजिक कंसर्ट ये एग्जम्प्ट हो सकता है क्योंकि यहां पे तो प्योर प्योर कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं किया जा रहा क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस है चार्जेज वन फिफ्टी फाइव अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई सर ये वन फिफ्टी से ज्यादा हो गया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा हो गया तो इस केस में तो ये भी टेक्सीबल हो जाएगा कितना टेक्सीबल हो गया सर इन एक्सेस ऑफ वन फिफ्टी सिर्फ पांच हजार टेक्सीबल करेंगे नहीं जी नहीं पूरा टेक्सीबल करेंगे पूरा वन फिफ्टी फाइव टेक्सीबल हो जाएगा यह भी सही नहीं है यह भी सही है यह भी सही नहीं है लास्ट है डी कथक डांस परफॉर्मेंस अब तो सर डी ही सही होगा ठीक है तो ऐसे नहीं देखना आपको पूरा देखना चाहिए कथक डांस परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल डांसर क्लासिकल डांसर है कथक परफॉर्मेंस किया है ठीक है क्लासिकल है कल्चर प्रोग्राम में किया है सर से ज्यादा तो नहीं है तो ये आंसर बिल्कुल सही है नाइन्थ सबको समझ में आ रहा है ना रिविजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा जीएसटी एग्जामिशन का एग्जाम इन वेदर सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंक इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी ठीक है कुछ ड्रिंक्स वगैरह सप्लाई करी हैं फूड या ड्रिंक्स वगैरह तो क्या एक्जैम्ट होती हैं या नहीं होती हैं देखते हैं केटरिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो टेक्सेबल होता है बट डिपेंड करता है अगर हमने किसी स्कूल को केटरिंग सर्विसेज दी है तो फिर वो एग्जेम्ट हो जाता है ठीक है स्कूल वगैरह को तो एक्जेंट होता है तो स्मार्ट किड्स इज अ प्ले स्कूल लोकेटेड इन डेली स्मार्ट किड्स हैज आउटसोर्स द केटरिंग सर्विस इन द कैंटीन ऑफ प्ले स्कूल टू स्विगी केटर स्विगी केटर को दिया गया है तो इसको तो एक्जेम्ट करेंगे बिकॉज दिस इज अ केटरिंग सर्विसेज हमने एजुकेशन सर्विसेज के बारे में पहले भी बातें की थी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जाए इनको केटरिंग की सर्विसेज दी जाए हाउस कीपिंग की सर्विसेज दी जाए सिक्योरिटी की सर्विसेज दी जाए कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज दी जाए उस केस में तो एग्जेम्ट रहती है तो यहां पर तो ये एक्जेंट रहने वाली है सेकेंड वेलनेस हॉस्पिटल अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन थेरोपति स्पेशलाइज इन डायबिटिक ट्रीटमेंट ठीक है एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल की सर्विसेज हम लोग जानते हैं जनरली एक्जेम होती है सर्विसेज द हॉस्पिटल हैज इट्स ओन कैंटीन अच्छा अब कैंटीन की बातें आ गई अब याद कर लीजिए अगर हॉस्पिटल में कोई कैंटीन है ठीक है वो लोग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो कैंटीन की सर्विसेज है तो क्या वो टेक्सीबल होंगी हाँ जनरली टेक्सीबल होंगी बट जो पेशेंट्स एडमिट हैं जो पेशेंट्स एडमिट हैं अगर सिर्फ हम उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं तो एग्जेम्ट है बट इन केस जिसको हम इन पेशेंट्स कहते हैं इन पेशेंट्स इन पेशेंट्स का मतलब होता है एडमिटेड पेशेंट्स ठीक है अगर वो इन पेशेंट्स तब तो एग्जम्ट कर देते हैं बट अगर कोई पेशेंट है जो एडमिट नहीं हुआ बस वो सिर्फ चेकअप कराने के लिए कंसल्टेशन लेने के लिए आया था और वो जा रहा है पर उसको लगा यार चाय पी लेता हूँ बीच में ठीक है या कुछ और खा लेता हूँ तो वो कैसा था वो विजिटिंग विजिट करने आया था सिर्फ़ तो उसके इसमें टैक्सीबल करते हैं और ऑब्वियसली जो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं चाहे वो इन पेशेंट्स के रिलेटिव्स हों या दूसरे विजिटर्स पेशेंट्स के रिलेटिव्स हों उनके ऊपर तो हम टैक्स लगाने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जम्प्ट करते हैं जो हम लोग केटरिंग सर्विसेज देते हैं टू द पेशेंट्स इट्स ओन कैंटीन सर्व्स द फूड एंड ड्रिंक टू इन पेशेंट्स एंड एज डॉक्टर्स बास ऑफ द हॉस्पिटल इन पेशेंट्स को सप्लाई करते हैं एग्जाम रहेगा अपार्ट फ्रॉम दिस अदर विजिटर्स ऑफ इन पेशेंट्स ऑल्सो टेक फूड

ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मटीरियल फॉर द विक्टम्स ऑफ केरला फ्लड ठीक है अगर हम रिलीफ मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कोई नेचुरल डिज़ास्टर है कोई नेचुरल डिजास्टर है इवन कोई मैन मेड डिज़ास्टर भी है कहीं पर कोई बॉम्ब uh, अटैक हो गया टेररिस्ट अटैक हो गया उस केस में भी एक्जैम्प्ट होगा तो यहाँ पर अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है रिलीफ मटीरियल के लिए वो जा रहा है तो इस केस में तो एग्जैम्प्ट रहता है वी अंडरस्टैंड दिस इज एक्सम्प्ट क्यान एंटरप्राइजेज एंड एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड सर्विसज ऑफ टू ब्रीदिंग वर्ल्ड लिमिटेड बाई वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जिबिशन एट प्रगति मैदान इन न्यू डेली एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अच्छा अब ये कौन है क्यान एंटरप्राइजेस है ये एक इवेंट मैनेजर है और इन्होंने ब्रीदिंग वर्ल्ड लिमिटेड को सर्विसेज दी है और इनका बिजनेस एग्जिबिशन ऑर्गेनाइज कराया गया है हम लोग जानते हैं अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाता है याद कर लीजिएगा अगर ये बिजनेस एग्जिबिशन आउटसाइड इंडिया अगर ऑर्गेनाइज हाँ, किया जाता तो उस केस में ये एक्सेंट होता बट इस केस में तो हम ये टेक्सिबल करने वाले हैं इस केस में तो टेक्सेबल होगा बिकॉज दिस इज इन इंडिया इलेवन क्वेश्चन पर आते हैं डिसाइड विद रीजन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसम्ड इन दीजीएसटी गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ठीक है वेलफेयर एसोसिएशन है इन थाउजेंड पर मंथ एज अंट्रीब्यून फ्राम ई देंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेंट वेलफेर एस लाख एम नॉट लाइबल टू जीएसटी टू गेट इट्स रजिस्टर जीएसटी देखो सब लोग समझ लो बहुत इजी होता है जो रेसिडेंट वेलफेर की वेलफेयर एसोसिएशन है ठीक है रेसिडेंट वेलफेर एसोसिएशन है अगर इनका टर्न ओवर ठीक है ट्वेंटी लाख या कुछ स्टेट्स में टेन लाख ठीक है जनरली ट्वेंटी लाख एज्यूम कर लेता हूँ अगर वो ट्वेंटी लाख से भी कम है तो उस केस में तो ये वैसे ही नॉट लाइबल टू जी एस टी है ठीक है उस केस में तो नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड है उस केस में तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा बट अगर इनका लास्ट ईयर का डन हुआ ट्वेंटी लाख ठीक है ट्वेंटी लाख से एक्सीड करता था तो उस केस में ये जीएसटी देते हैं बट ट्वेंटी लाख से एक्सीड करता था फिर तो ये लाइबल टू रजिस्टर्ड हो गए बट अगर ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मेंबर पर मंथ पर मेंबर ठीक है सबको पता है ना सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड या उससे कम चार्ज करते हैं तो भी जीएसटी नहीं आता चाहे इनका लास्ट ईयर का टर्न ओवर चाहे इनका लास्ट ईयर का टर्न ओवर ट्वेंटी लैक से ज्यादा भी है बट अगर सिर्फ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज या उससे कम चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं आता सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं फिर पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी आ जाता है ठीक है आठ हजार चार्ज करें नौ हजार चार्ज करें दस हजार चार्ज करें पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी आ जाएगा बट हाँ अगर इनका लास्ट ईयर का टर्न ओवर ही कम है फिर तो जीएसटी आएगा नहीं ऑब्वियसली नहीं आएगा कॉमन सेंस है ठीक है फिर तो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है ना तो सबसे पहले पूछा है कि अगर इनका 9000 पर मंथ है तो क्या जीएसटी आएगा बिल्कुल आएगा सर 7500 वाली बात लिख दीजिएगा उससे ज़्यादा आ रहा है अब तो जीएसटी आने वाला है इस केस में कहते हैं व्हाट विल बी योर आंसर अगर इनका एग्रीगेट टर्न ओवर अट्ठारह लाख रहता और नॉट लाइबल टू जीएसटी एस टी रहते हाँ उसकेस में ऑब्वियसली नहीं आता क्योंकि फिर तो ये रजिस्टर्ड ही आ, के लिए के लिए ही लाइबल नहीं है तो उस केस में तो फिर ये जीएसटी चार्ज नहीं करते अपने बिल पर बट नॉर्मली सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर बीस लाख से ऊपर है इनका टर्न ओवर तो ऑब्वियसली चार्ज करेंगे ठीक है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाली बात समझते हैं सेकंड हुआ है अमृत रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मदुराए रिसीव एट थाउजेंड पर मंथ एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच में अब यहां पर भी एट थाउजेंड पर मंथ है तो टैक्सेबल कर देंगे सर सेवेंटी फाइव हंड्रेड से जैसी ज्यादा है फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बट कुछ और बातें भी लिखी है यहाँ पर कहते हैं कि 8000 हम लोग मंथली चार्जेस कलेक्ट करते हैं पर मेंबर पर मंथ से ठीक है पर मंथ पर मेंबर से एंड सच अमाउंट इंक्लूड्स वन थाउजेंड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी प्लीज ध्यान दीजिएगा ठीक है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं इस बात को अगर इस अमाउंट में कुछ स्टाचुटरी ड्यूज हैं लाइक प्रॉपर्टी टैक्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो हम उसको माइनस करेंगे पहले उसको माइनस करेंगे फिर बाद में माइनस करने के बाद हम सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की लिमिट लगाते हैं तो इसमें वन थाउजेंड रुपीज तो स्टैचुटरी ड्यूज थे स्टैचु ड्यूज थे ठीक है कोई क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह होती तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते सिर्फ स्टाचुट्रीड्यूस सिर्फ आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी टैक्सेज और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये याद कर लीजिएगा तो एट थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड करने के बाद तो सेवन थाउजेंड आया तो उस केस में तो जीएसटी एस चार्ज नहीं होगा इनका लास्ट ईयर का टर्न कुछ भी है बट यहाँ पर तो अब सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा हो नहीं रहा है तो इस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा कहते हैं कि इनका लास्ट ईयर का टर्न ओवर लाख से ज़्यादा था अरे कुछ भी हो कोई बात नहीं हो सेवन पर मंथ पर मेंबर से ज़्यादा चार्ज नहीं किए जा रहे हैं एट थाउजेंड थाउजेंड करने के बाद चेक कीजिएगा ठीक है सॉरी थर्ड मिस्टर बलूनी अ परफॉर्मिंगल हो जाएगा एंड फ्रॉम एक्टिंग इन नाइन से कम है तो एक्समट हो सकता था बट क्या क्लासिकल डांस के लिए क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट के लिए किया नहीं एक्टिंग इन टीवी सीरियल ये भी टेक्सीबल हो जाएगा तो वन फिफ्टी एट भी और नाइन थाउजेंड है ये वो क्लासिकल डांस क्लासिकल म्यूजिक के लिए नहीं था टीवी सीरियल के लिए था इसलिए हम उसको टेक्सेबल कर रहे हैं चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा एग्जामिन वेदर जीएसटी इज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस फर्स्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन टेन सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मैनेजर टेंपल एंड रोहिणी ठीक है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है एक टेंपल मैनेज करते हैं इट हैज गिवन ऑन रेंट आम कम्युनिटी हॉल लोकेटेड विद इन द टेंपल टू पब्लिक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ तीज मिला रेंट चार्जेस 9500 ठीक है 9500 है टेन थाउजेंड रुपीज से कम है इसलिए हम जीएसटी नहीं लगाएंगे याद हो गया ना ये बातें टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा होता तब हम जीएसटी लगा देते हैं सेकेंड है स्पीड पोस्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो बेसिक सर्विसेज होती हैं बेसिक मेल वगैरह ठीक है वो तो एक्जेंट होती हैं बट स्पीड पोस्ट सर्विसेज या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज ठीक है एजेंसी सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विसेज वो तो टेक्सीबल होती हैं बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाए या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाए या यूनियन टेरेटरी को प्रोवाइड की जाए उस केस में वो भी एक्जेंट हो जाती हैं तो स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट वगैरह हम लोग जब जा, जाते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लगता है बट अगर ये लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा तो लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरेटरी ऑफ दमन एंड इंदिओ तो यहां पर किसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसको सर्विस वैसे तो स्पीड पोस्ट टेस्ट स्पीड पोस्ट सर्विसेज टैक्सेबल होती है बट इस केस में किसको प्रोवाइड की जा रही है सर एक यूनियन टेरेटरी को तो की जा रही है एग्जेम्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी के केस में तो एग्जेप्ट हो जाएगी नेक्स्ट है एस टी लिमिटेड है पांच ट्रक्स हायर पर दिए जनरली टेक्बल होना चाहिए ट्रक्स हायर पर दिए हैं टू भुवन ट्रांसपोर्टर्स ऑफ डेली अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हम लोग जानते हैं ये एग्जाम्शन कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बातें कर रहा हूं मैं ठीक है पैसेंजर्स की नहीं अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रेंट पर दिए जाते हैं टूट स्टेट कॉपोरेशन को या फिर इवन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को जीटीओ को अगर हम रेंट पर दें तो उस केस में भी वो एग्जेम्ट होते हैं तो इस केस में भी वो एग्जेम्ट हो जाएंगे तो सेवेंटी पर ट्रक कोई मायने नहीं रखता प्लीज उसको एग्जेप्ट कर दीजिएगा ठीक है तो मुझे ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी आई बिलीव Uh, आपका एग्जामेशन का चैप्टर काफ़ी हद तक रिवाइज़ हो गया है ठीक है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या प्रायरिटी है आपके लिए ऑब्वियसली आई टी वन इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मुझे प्रायरिटी पर लेना चाहिए और भी कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जिससे कि मैं आपका रिविज़न करा सकूँ तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट